अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयशा और मेरे चैनल आयशा केक डिलाइट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोज़ फ्लेवर में कोको मेलन थीम केक। ना एक किलो का ना आधा किलो का, 750 ग्राम का केक बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, फिर भी अगर जो भी मुझसे गलतियाँ होती है, जो आपको भी समझ में आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। 750 ग्राम केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 230 ग्राम प्रीमिक्स को लिया है। आज का केक हमारा रोज़ फ्लेवर का है, तो मैंने यहाँ पर रोज़ सिरप ली है। यहाँ पर मैंने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी बताई है। यहाँ पर मैंने क्रीम में रोज़ सिरप को ऐड किया है और केक को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है और उस दूध में भी मैंने रोज़ सिरप को मिक्स कर लिया है। इस तरह से रोज़ फ्लेवर का केक सोक करने के लिए दूध का इस्तेमाल करने से टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। इससे पहले मैंने और एक वीडियो अपलोड की है जिसका नाम है रोज़ फालूदा केक, जिसमें मैंने बताया है कि बिना किसी फालूदा क्रश के भी आप घर की ही चीज़ों से किस तरह से फालूदा केक बना सकते हैं। केक को सोक करने के बाद मैंने इस तरह से क्रीम की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर क्रश को स्प्रेड किया है और यहाँ पर वाइट कंपाउंड को इस तरह से ऐड किया है और इसी तरह से हम बाकी के लेयर्स को भी अरेंज करके क्रम कोट कर लेंगे। इस केक को बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम से ज़्यादा और 350 ग्राम से कम क्रीम का इस्तेमाल किया है। की लेयरिंग और फ्रॉस्टिंग करने के लिए मैंने 150 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल किया है और फाइनल फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर 120 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 बार क्रीम को बीट कर लिया है क्योंकि मुझे डेली बेसिस पर ऑर्डर नहीं होते और क्रीम वेस्ट हो जाती है, इसलिए मुझे जितनी चाहिए होती है मैं उसी टाइम पे बीट करके ले लेती हूँ। बेबी गर्ल का बर्थडे होने की वजह से हमें पिंक कलर का केक बनाना था और यहाँ पर रोज़ सिरप डालने की वजह से हमारा हल्का लाइट पिंक कलर आ चुका है, पर यहाँ पर केक के लिए इतना पिंक कलर इनफ नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर पाउडर स्प्रे को स्प्रे किया है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं मैंने कितने दूर से पाउडर स्प्रे को स्प्रे किया है। नज़दीक से करने की वजह से ज़्यादा पाउडर एक ही जगह पर स्प्रेड हो जाती है। इस तरह से क्लाउड और बॉर्डर देने के लिए मैंने फिर से 50 ग्राम क्रीम को इस्तेमाल किया है। इस तरह से हमें टोटल 320 ग्राम क्रीम का यूज़ हुआ है। क्लाउड्स बनाने के लिए मैंने सिर्फ पाइपिंग बैग को तो छोटा सा एक कट देकर इस तरह से प्रेस करते हुए क्लाउड्स को बना लिया है। ने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि मैंने पहले 4 डॉट दिए, फिर उसके बाद 3 डॉट्स, फिर 2 डॉट्स, फिर 1 डॉट्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे क्लाउड को बना लिया है। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम से ही 3D क्लाउड्स बना लिए हैं। इस केक को मैंने 650 रुपये में सेल किया है। इससे पहले मैंने टीन टाइटन्स गो का केक भी 750 ग्राम के वेट का ही बनाया है। इस तरह से केक पर क्लाउड बनाने के बाद मैंने यहाँ पर सिल्वर स्प्रे को भी डस्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर स्प्रे डस्ट करने की वजह से क्लाउड शाइन करते हैं। इस केक की ऑर्डर भी कस्टमर ने मेरे यूट्यूब वीडियो को देखकर ही दी है। यहाँ पर बॉर्डर देने के लिए मैंने नूर 6 और नूर 7 नंबर का यूज़ किया है और उससे लाइट ब्लू कलर के कुछ बीच बीच में स्टार्स और ग्रीन कलर के की बॉर्डर देख के मैंने इस केक को कवर कर लिया है। केक पिकअप की टाइम पर ही मैंने इन टॉपर्स को इस तरह से अरेंज करके, जिस तरह से हम डॉल केक के लिए बॉक्सेस को अरेंज करते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पर अरेंज करके इस केक की पैकिंग करके केक डिलीवरी दी है। इस तरह से कोकोमेलन के स्क्वायर शेप में मैंने आपके साथ 3 वीडियोस को शेयर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।